हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है साहिल और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स कि आपने ज़्यादातर सुना होगा डॉग ब्रीडर से या फिर जो भी आपने यूट्यूब वगैरह पे है जिनकी भी डॉग से रिलेटेड वीडियो देखी होंगी तो वो लोग आपको कहते हैं कि आप हमेशा एक हैवी डॉग हैवी बोन डॉग लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हैवी बोन डॉग के फ़ायदे क्या होते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अक्सर आपने YouTube वगैरह में सुना होगा कि हैवी बोन डॉग लेने में ही फ़ायदा है, बेशक से वो आपको महंगा मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले सबसे पहले क्लियर करता हूँ कि हैवी बोन डॉग होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप मतलब एक कह लीजिए जो भी एक फीमेल ने बच्चे दिए और उसमें जो सबसे अच्छा बच्चा जिसके मतलब पैर का साइज़ भी अच्छा है, उसका हेड भी अच्छा है, तो फ्रेंड्स वो एक हैवी बोन डॉग आप उसे बोल सकते हैं। मतलब लीटर का जो सबसे बेस्ट बच्चा है आप उसे हैवी बोन डॉग बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप कह लीजिए आपको हैवी बोन डॉग जो है वो महंगा मिलेगा आपको 5-6 हज़ार, डिपेंड वाइज कौन सी ब्रीड ले रहे हैं आप उस हिसाब से आपको मतलब हैवी बोन का बच्चा महंगा मिलेगा। जैसे अगर आप एक रॉटवाइलर का ले रहे हैं तो आपको एक नॉर्मल क्वालिटी 12 हज़ार में मिल जाएगी और उसमें थोड़ी अच्छी क्वालिटी 30 हज़ार में मिल जाएगी और उसमें बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी आपको 50 हज़ार में भी मिल जाएगी। वो फ्रेंड्स आपके खर्चा करने पे आप कितना खर्चा कर सकते हो और आपको कितनी अच्छी डॉग ब्रीड कितनी अच्छी क्वालिटी चाहिए फ्रेंड्स, वो सारी आपके ऊपर है। तो फ्रेंड्स, इसका फ़ायदा क्या है? तो जैसे कि अगर आप एक बार के लिए अगर आपने लो बोन का डॉग खरीद लिया जो कि आपको मतलब 3-4 हज़ार 5 हज़ार सस्ता मिल गया, तो वो आगे फ्यूचर में आपका उतना ही खर्चा करवाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि जैसे कि आप फेसबुक वगैरह पर पिक्चर्स देखते हैं, वही डॉग अच्छे मोटे तगड़े होते हैं, तो वह आप चाहेंगे कि हमारा डॉग भी वैसा बने, तो उसके लिए आप उसको महंगी से महंगी फीड देंगे, अच्छा खाना देंगे, न्यूट्रिशन के लिए गोलियां देंगे। पर जो लो बोन का डॉग है फ्रेंड्स, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा चाहे आप उस पर कितना ही खर्चा कर लीजिए। जैसा कि आपने सुना होगा फ्रेंड्स, अगर कोई पहलवान है तो उसमें दो पहलवान है फ्रेंड्स, एक जो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं खाता फिर भी अच्छा मोटा दिखता है और एक जो मतलब बहुत ज़्यादा खाता है फिर भी उसको मतलब कह सकते हैं आप, कहते हैं देसी भाषा में, लगता नहीं है। तो वही केस है फ्रेंड्स डॉग्स में भी। आप मतलब एक को चाहे जो अगर आपका डॉग लो बोन का तो आप उसको कितना ही खिला ले उसको कुछ भी नहीं लगेगा और वो आपका हैवी बोन जैसा नहीं बन पाएगा चाहे आप उस पर कितनी भी मेहनत कर ले। और वहीं अगर आप एक मतलब हैवी बोन का डॉग लेंगे, अगर आप उसको इतनी ज़्यादा मतलब जो विटामिन वगैरह मिनरल वगैरह जो आपकी टेबलेट्स होती है मल्टी विटामिन कैल्शियम की, अगर वो आप एक बार के लिए नहीं भी देंगे फिर भी वो अपनी बॉडी स्ट्रक्चर मतलब अच्छी दिखेगी उसकी एज़ कम्पेयर टू लो बोन का जो आप डॉग लेंगे 3-4 हज़ार 5 हज़ार सस्ता। तो फ्रेंड्स, ये फ़ायदा होता है आपका हैवी बोन डॉग लेने में कि आपका डॉग अच्छा दिखता है, आपका डॉग मतलब ये नहीं रखता है कि ये क्या ले रखा आप। तो इसके लिए आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप हैवी बोन डॉग लेने की कोशिश करें, क्योंकि मतलब अगर आप देखें तो आपको हैवी बोन डॉग एक बार के लिए थोड़ा 2-4 हज़ार 5 हज़ार महंगा मिलेगा, लेकिन वो आपकी लाइफ टाइम के लिए एक आप कह सकते हैं अच्छा डॉग मिल जाएगा। और वहीं अगर आप एक लो क्वालिटी का डॉग लेंगे तो वो आपको एक लाइफ टाइम के लिए बेकार क्वालिटी का डॉग मिलेगा, जो कि मतलब अगर आप कहीं बार भी लेकर जाएंगे तो आप भी सोचेंगे कि हमारा डॉग, अगर आप दूसरा डॉग देखें हमारा डॉग ऐसा क्यों नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो कि हमें एक हैवी बोन डॉग क्यों प्रेफर करना चाहिए लो बोन के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।